नमस्कार दोस्तों, मैं सागर कुमार आपका स्वागत करता हूं सेंसिबल के इस नए हिंदी डेली मार्केट एनालिसिस सेशन में। चलिए शुरू करते हैं आज का मार्केट एनालिसिस और देखेंगे कि कल मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है। तो कल एक्सपायरी भी है, तो हम लोग जानेंगे कि किन लेवल्स पर एक्सपायर हो, मार्केट के एक्सपायर होने के चांसेस हैं, तो उसको समझने की थोड़ी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले निफ्टी, जो हम हर बार करते हैं, तो निफ्टी में आज एक नेगेटिव कैंडल बना यहाँ पर, बट मोमेंटम जो था, मोमेंटम जो एंड में हुआ, वो सॉर्ट ऑफ मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम बन के निकला। पॉजिटिव मोमेंटम मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे आप कि मार्केट यहाँ कहीं पे मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, उसके बाद सॉर्ट ऑफ मार्केट एक साइडवेज रेंज में गया, फिर मार्केट नीचे ब्रेक डाउन दिया, फिर उसके बाद एक अपसाइड तुरंत एक रिकवरी दिखा दी। तो कल हमने ऐसा सोचा, हमने ये बात करी थी कि बॉस हम मार्केट में सेल कर सकते हैं 17,300 पर, ठीक है, और हमने ये भी कहा था कि बॉस अभी एग्रेसिवली सेल करने का कोई सेंस नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है जब तक कि हमें एक फॉलो अप मार्केट नहीं दिख जाता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर 17,300 के आसपास मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, फिर तुरंत एक अपसाइड मोमेंटम देके रिकवरी दिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये जानते हैं, यहाँ देखने की कोशिश करते हैं कि बॉस कल मार्केट किस तरह का हो सकता है। तो सबसे पहली प्रोबेबिलिटी, अगर मार्केट यहाँ पर अगर फ्लैट ओपन होता है, तो अगर मार्केट सपोज मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है, तो एक अपसाइड पर उसे एक रेजिस्टेंस मिलेगा अराउंड 17,450 के अराउंड, ठीक है, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इमीडिएटली 17,400 भी है, 17,400 भी ठीक ठीक रेजिस्टेंस है, बट अगर मैं स्विंग की बात करता हूँ यहाँ पर, जो ये जो स्विंग है मार्केट का, इस स्विंग की वजह से मुझे जो लेवल है वो मिल रहा है 17,440 से 450 के अराउंड का, ठीक है। अब नीचे साइड पर अगर सपोर्ट की बात करी जाए, तो यहाँ पर मेरे लिए सबसे ठीक ठीक सपोर्ट निकल के आता है ये जो स्विंग है वो, जो कि है 17,250 के अराउंड, ये एक ठीक ठीक यहाँ पर सपोर्ट बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि मार्केट इन्हीं दो लेवल्स के बीच में, 450 से 250 के बीच में मार्केट एक्सपायर होने के चांसेस हैं, ठीक है। अब अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप या गैप डाउन ओपन दे देता है, तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर मार्केट सपोज मान लीजिए गैप अप ओपन देता है, तो शॉर्ट मुझे लगता है कि अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन देता है, तो मुझे एक ट्रेंडिंग एक्सपायरी देखने को मिल सकता है, अनुमान है, सही हो गलत तो मार्केट बताएगा वो। तो मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज अगर मार्केट गैप अप ओपन देता है, तो मार्केट के लिए इमीडिएटली देखिए 17,400 के अगर ऊपर मार्केट ने गैप अप ओपन दे दिया, ठीक है, तो इमीडिएटली मार्केट में पहला सेलर्स ट्राई करेंगे इसको नीचे लाने का। अगर वो नहीं ला पाए, मार्केट अगर टर्न अराउंड हो गया, तो उसके बाद एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूव आपको अपसाइड पर देखने को मिल सकता है। वहीं सिमिलर केस रहेगा आपके गैप डाउन के लिए। अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता है, तो क्या होगा, बिकॉज पहले से एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना हुआ है 17,400 पर, और तो उस टाइम पे क्या होगा कि 17,300 पे जो पुट्स होंगे वो स्क्वायर ऑफ होना शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही वो स्क्वायर ऑफ होते हैं, मार्केट और तेजी से नीचे आने लगेगा। तो इस वजह से मुझे लगता है कि गैप अप और गैप डाउन पर मार्केट के यहाँ पर ट्रेंडिंग होने के चांसेस हैं। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, तो फ्लैट होने ओपन होने के बाद मुझे भी एक्सपायरी लगता है कि फ्लैट ही हो जाएगी, एक साइडवेज एक्सपायरी होके मार्केट खत्म होगा, ठीक है। ये तो रही अगर निफ्टी की बात करी जाए, तो अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी में जो निचला लेवल था हमारा, जो हमने कल डिस्कस किया था, वो खासकर कोई टूटा नहीं, ठीक है। तो उसके बाद अपसाइड पर जो लेवल था, ये हमारा जो अपसाइड लेवल था, इसके ऊपर मार्केट गया और उसके बाद सेल आया, फिर वापस अपसाइड पर गया, तो एक सॉर्ट ऑफ वॉलेटाइल मार्केट निफ्टी में भी, सॉरी बैंक निफ्टी में देखने को आपको मिला यहाँ पर। बात अगर करी जाए कि एक्सपायरी कहाँ पर हो सकती है, तो पहला साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, तो पहला साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बन रहा है 37,000 का, ठीक है, ये एक बहुत बढ़िया यहाँ पर रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, तो फ्लैट ओपन होते ही मेरे लिए 37,000 एक अच्छा रेजिस्टेंस रहेगा, निचले लेवल्स पर 36,500 एक अच्छा यहाँ पर सपोर्ट बनने के इनके चांसेस हैं। तो
क्योंकि ये स्विंग भी है यहाँ पर, और दूसरा 37,000 एक राउंड लेवल है, और अगर ओआई में आप देखेंगे तो अच्छा खासा वहाँ पर ओआई डेवलप्ड है 37,000 के लेवल पर, वो अभी हम लोग देखेंगे जाकर। ठीक है, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है या गैप आउट ओपन होता है, सिमिलर सॉर्ट ऑफ केस निफ्टी के जैसा ही रहेगा यहाँ पर, थोड़ा आपको ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट 37,000 के नीचे ओपन होता है यहाँ पर, तो आप 37,000 का कॉल यहां पर शॉर्ट कर सकते हैं, कॉल यहां पर सेल किया जा सकता है विथ अ स्ट्रिक्ट एसएल। अगर मार्केट तुरंत नीचे साइड पे आता है तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है 37,000 के कॉल में। ठीक है, अगर मार्केट नीचे साइड पर ओपन होता है तो 37,000 के कॉल में आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। यहाँ पर अगर मार्केट नीचे ओपन होता है तो 36,500 का जो पुट है ये आप सेल कर सकते हैं एक्सपायरी के लिए, ये आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है, बट बोथ ऑफ दी ट्रेड्स विथ आ स्ट्रिक्ट एसएल। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। बात अगर मैं ओआई की करता हूँ तो ओआई मुझे निफ्टी का ओआई यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 17,400 पर एक अच्छा रेजिस्टेंस है यहाँ पर, और सपोर्ट ठीक ठीक सा बन रहा है 17,300 पर। ठीक है, तो ये जो दो लेवल्स हैं ये डिसाइडिंग लेवल्स हैं, इनके अगर ऊपर मार्केट जाता है या नीचे मार्केट जाता है तो पहला तो एक अच्छा यहाँ पर हो सकता है मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो तो इन दोनों के बीच में ही मार्केट एक्सपायर हो जाए, पर अगर मार्केट थोड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो इन लेवल्स को देखना पड़ेगा आपको किस तरह से रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी में 37,000 ये जो लेवल है, ये जो ओआई है 37,000 का जो ओआई है, ये कॉल ओआई, कॉल का ओआई यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बहुत जो बहुत ज़्यादा ओआई 37,000 पर कॉल ओआई बना हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से ये अच्छा खासा यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो ये कॉल वाले बंदे चाहेंगे कि भाई 37,000 के ऊपर मार्केट ना एक्सपायर करे। निचले लेवल्स पर जो ये 36,500 का है, जो पुट का यहाँ पर अच्छा खासा ओआई बना हुआ है, ये इसको एक सपोर्ट की तरह बांधना चाहेंगे। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में तो काफ़ी कुछ क्लियर है सिनेरियो, निफ्टी के लिए बहुत ही शॉर्ट रेंज है, तो मुझे ये लग रहा है निफ्टी में भी अपसाइड पर जा सकता है, बिकॉज आज का मोमेंटम था वो अपसाइड पर जाने का, उसका ट्राई था, तो वो निफ्टी अपसाइड पर जा सकता है। और बैंक निफ्टी के लिए ठीक ठीक रेंज निकल के आ रही है, जो 500 पॉइंट के 36,500 से 37,000 की। ठीक है, तो अगर FIDI डेटा की बात करें तो काफ़ी कंफ्यूजिंग है आज, क्योंकि दोनों ही यहाँ पर देखेंगे आपकी कॉल और पुट दोनों ही यहाँ पर सेल कर दिए गए, जो कॉल्स भी सेल करे गए हैं और पुट्स भी यहाँ पर डिक्रीज कर लिए या घटा लिए गए हैं, वो दोनों ही सेल करे गए हैं, और इंडेक्स फ्यूचर में भी कोई खास यहाँ पर एक्टिविटी नहीं है, और स्टॉक्स में हालांकि एक ठीक ठीक यहाँ पर ठीक ठीक क्वांटिटी में सेलिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, कॉल और पुट जैसे मैंने आपको कहा कि दोनों ही बेचे गए हैं, तो कोई खास यहाँ पर सेंस बन नहीं रहा है अभी के लिए FIA डेटा के लिए। ठीक है, स्टॉक की तरफ से थोड़ा सा बेरिश दिखाई दे रहा है, बट एक्सपायरी के लिए तो आई डोंट फील कि कोई इतना स्टॉक्स का इतना कुछ महत्व है। ठीक है, तो दोस्तों अगर ऑल इन ऑल इस डेटा को समअप करके मैं बात करूँ आपसे, तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा है अभी, तो मेरा वर्डिक्ट कुछ ये है कि मार्केट डिसाइसिव लेवल पे है। अगर वो 17,400 निफ्टी का 17,400 और बैंक निफ्टी का 37,000 का लेवल ब्रेक करता है तो अपसाइड पर जाने की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। बट आपको ये देखना है कि अगर मार्केट सपोज मान लीजिए गैप अप ओपन देता है, उसके बाद वहाँ से रिजेक्शन दिखा रहा है, तो नेगेटिव सपोज मान लीजिए प्राइस एक्शन थोड़ा नेगेटिव साइड पर दिखा रहा है, तो आप 17,400 का कॉल और बैंक निफ्टी में 37,000 का कॉल बेच सकते हैं। वहीं अगर गैप डाउन ओपन देता है और रिकवरी दिखाने का ट्राई करता है, तो आप निचले लेवल्स के कॉल माने निफ्टी में 17,300 और बैंक निफ्टी में 36,500 का पुट आप बेच सकते हैं। ठीक है, अगर फ्लैट ओपन देता है तो आप दोनों ही लेवल्स के कॉल और पुट बेचिए और 12-12:30 बजे तक रुकिए, उसके बाद अपना जो भी आपका प्रॉफिट बनता है उसको लेके आप निकल सकते हैं, बिकॉज उसके बाद थोड़ा सा ट्रेंडिंग मूव आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, क्योंकि दो तीन दिन से मार्केट काफ़ी जो निफ्टी है खासकर एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, कुछ ज़्यादा उसने ट्रेंडिंग मूव नहीं दिया, तो मे बी ये ट्रेंडिंग एक्सपायरी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं जल्दी से कि USD INR किस तरह का बिहेव करने का ट्राई कर रहा है। तो यहाँ पर हालांकि ये जो कैंडल है वो बुलिश कैंडल यहाँ पर मार्केट ने बनाया है, तो हमने कल भी डिस्कस किया था कि यहाँ से मार्केट अभी और बुलिश साइड पर दिखाई दे सकता है। ठीक है, दूसरा कि यहाँ से जो वॉल्यूम कैंडल्स हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर अपसाइड पर बढ़ती हुई ही नज़र आ रही हैं, तो आगे से आगे यहाँ पर एक अपसाइड मूव ही दिखाई दे रहा है।
तो करंटली यहाँ पर थोड़ा सा सेल प्रेशर दिखाई दिया है, बट अगर मार्केट मान लीजिए फ्लैट ओपन होकर अपसाइड पर जाने का ट्राई करता है यहाँ पर, तो मान लीजिए अगर मैं 15 मिनट चार्ट में चला जाता हूँ या 1 आवर चार्ट में चला जाता हूँ यहाँ पर, तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो इस स्विंग के ऊपर, इस पर्टिकुलर स्विंग के ऊपर आप यहां पर बाय कर सकते हैं, यहां पर बाइंग ये की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा निफ्टी, बैंक निफ्टी और यूएसडी आईएनआर का एनालिसिस। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके बता सकते हैं आपको कैसा लगा, और आपको क्या लगता है कि एक्सपायरी कहां होगी ये भी आप बता सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि जैसे जो हमने डिस्कस किया है वहां पर वैसी एक्सपायरी होती है नहीं है, फिर से अगले सेशन में ये डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों नमस्कार, और अपने कैपिटल को बचा के ट्रेड करिए, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए, हेज के साथ ट्रेड करिए। इसी के साथ हैव अ सेफ एंड हैप्पी ट्रेडिंग विद सेंसिबल। बाय बाय।